नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 15 प्रायिकता का बेसिक और इसके महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों की पूछी जाती है और बहुत ही सरल प्रश्नावली है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, आप बोर्ड परीक्षा में 4 अंक जरूर से जरूर लेके आओगे और प्रायिकता आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो देखो, प्रायिकता, प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चांस, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने के कितने चांस हैं, उसकी कितनी संभावनाएं हैं। तो देखो, घटनाएं क्या होती हैं? प्रत्येक चीज एक घटना है। जैसे उदाहरण के लिए, सूर्य पूर्व से उदय होगा कल, तो ये एक घटना है कि कल सूर्य पूर्व से उदय होगा। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, ये भी एक घटना है। सूर्य के पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है। कल आप स्कूल जाओगे, ये भी एक घटना है। मम्मी कल किसकी सब्जी बनाएगी, ये भी एक घटना है। कल क्रिकेट मैच होगा भारत और पाकिस्तान का, तो उन दोनों में से कौन जीतेगा, तो ये भी एक घटना है। तो ये जो मैंने आपको बताई, ये सभी प्रकार की ये क्या है? घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, इनकी संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। देखो, परिभाषा क्या है? जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक, मतलब अंकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब देखो, घटना के घटित होने की कितनी संभावनाएं हैं? अब देखो, जैसे कि उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, तो बताओ इस घटना की कितनी संभावनाएं हैं? 100% संभावना है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, तो इसकी संभावना कितनी है? 100% संभावना है। तो जिसकी 100% संभावना है घटित होने की, उस घटना को हम कहते हैं संभव घटना। क्या कहते हैं? संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि कल सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, तो बताओ इस घटना के घटित होने की कितनी संभावनाएं हैं? 0%, क्योंकि सूर्य कभी भी पश्चिम दिशा से उदय नहीं होगा, क्योंकि सूर्य हमेशा कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। तो इस घटना की कितनी संभावनाएं हैं? 0%। 0% संभावनाएं हैं, तो इसे कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो देखो, जिस घटना का घटना निश्चित हो उसे हम संभव घटना कहते हैं, और जिस घटना का घटना निश्चित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। तो देखो, प्रायिकता को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों PE = P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता। E का मतलब होता है इवेंट, और इवेंट को हम कहते हैं घटना से, ठीक है। तो PE = होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसी सूत्र से पूरी प्रश्नावली को हम हल करेंगे। अब देखो, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरी जेब में एक तो 5 रुपए का नोट है, ठीक है, एक मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, ठीक है। अब मेरी जेब में कुल कितने नोट है? 2 नोट है। इसका मतलब कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब मैं किसी ने कहा कि मेरी जेब से 5 रुपए का नोट निकालना है, कितने रुपए का नोट निकालना है? 5 रुपए का। तो बताओ मेरी जेब में 5 रुपए के कितने नोट है? 1 नोट है, मतलब ऊपर अनुकूल परिणाम आ जाएगा 1। तो कुल संभावनाएं कितनी है? 2। 2 में से 1 संभावना किसकी है? 5 रुपए का नोट निकालने की है। अगर किसी ने कहा कि 10 रुपए का नोट निकालना है, तो कुल परिणाम मतलब कुल संभावना तो 2 है, और 10 रुपए का कितना नोट है? 1 है। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 10 रुपए का नोट निकालने की संभावना भी कितनी है? 1 है, ठीक है। अब जैसे कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है,
अब उसमें कौन जीतेगा, इसके कितनी परसेंट संभावनाएं हैं, यदि बात अब तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि भारतीय टीम में कौन कौन से बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं, कौन कौन से बॉलर फॉर्म में चल रहे हैं, तो उसकी संभावनाएं व्यक्त करेंगे कि 75% संभावना भारतीय टीम की है और 25% संभावना पाकिस्तान टीम के जीतने की है, तो ये उन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ किसी ने कहा कि मेरी जेब से 20 रुपए का नोट निकालना है, 20 रुपए का नोट निकालना है, तो क्या मेरी जेब में 20 रुपए का नोट है? नहीं है। तो देखो कुल परिणाम तो 2 है और 20 रुपए का नोट नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 20 रुपए का नोट निकालना असंभव घटना है और 5 रुपए और 10 रुपए का नोट निकालना क्या है, एक संभव घटना है। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, करती है, इसकी कितनी परसेंट संभावनाएं हैं, 100%। कितने में से, 100 में से, तो 100 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि जिस घटना का घटना निश्चित हो उसे हम संभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 1 होती है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज देखो, मैंने बताया था कि कल सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, ये कभी नहीं हो सकता, इसकी किसी परसेंट संभावना है, 0। कितने में से, 100 में से, यानी कि कुल परिणाम तो 100 है और अनुकूल परिणाम 0 है, या कुल परिणाम तो 100 है और अनुकूल परिणाम भी कितने हैं, 100 है। देखो 100 का भाग 0 में लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये एक असंभव घटना है, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय नहीं होगा तो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और एक और चीज, प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 होता है और सबसे बड़ा मान 1 होता है। मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही होता है, इनके अलावा प्रायिकता का मान माइनस में कभी भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। बात समझ में आई यहां तक। अब देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो प्रायिकता को हम लिखते हैं पीई से, कहीं से लिखते हैं, पीई से, ठीक है। अब प्रायिकता का मान बराबर होता है या तो 0 के या बराबर होता है 1 के। प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। प्रायिकता का मान बराबर होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान बराबर होगा 1 के या 1 से छोटा होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी घटना के घटित होना, यदि कोई घटना घटित होती है तो उसे हम संभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 1 होती है। जिस घटना का घटना निश्चित नहीं हो, ठीक है, मतलब वो नहीं घटे, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, और उसको कहते हैं असंभव घटना। तो देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी भी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी भी घटना के घटित होने को हम पीई से लिखते हैं, इसे कहेंगे घटना का घटित होना, और घटना का घटित नहीं होना को लिखते हैं पीई, और इसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाते हैं, यह घटना घटित होगी और घटना घटित नहीं होगी, इन दोनों का योग होता है आपके 1। देखो घटना घटित हो, जो घटना घटित होगी उसका 1 और घटित नहीं होगी उसका 0, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी प्रयोग इस प्रश्नावली में होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी जैसे ताश से संबंधित, पासे से संबंधित, सिक्के से संबंधित, इन तीनों से संबंधित सवाल भी इस प्रश्नावली में है, वो मैं तीनों के अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा, पासे का, ताश का और सिक्के का। तो 3 वीडियो और आएंगे इस प्रश्नावली के, एक ये रहने वाला है। इसमें अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में इस सूत्र से संबंधित पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले इनको आप एक बार उतार लीजिए, सूत्रों को और परिभाषा को उतार। अब देखो इसके महत्वपूर्ण सवाल करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी आपको पूर्ति करनी है, इनमें से एक नंबर का एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्नावली में हम केवल अभी वही सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखो सवाल नंबर 1 में है
निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो जैसे अभी मैंने बेसिक बताया था उन्हीं से ये कथन आपके पूरे हो जाएंगे। देखो पहला, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है। तो भी बताया जो घटना घटित होती है घटित नहीं होती है उन दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। आपके परीक्षा में ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, ये बराबर कितना होता है? एक होता है। जो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? एक होता है। अब देखो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती मतलब उसके घटने का कोई चांस नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो। जैसे मैंने बताया था कि सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा, असंभव है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। समझ में आ गया? जो घटना घटित नहीं होगी वो असंभव घटना होगी। तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कितनी होगी? एक। जैसे पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है निश्चित है इसकी घटना की प्रायिकता एक होगी। और ऐसी घटना को क्या कहेंगे? ऐसी घटना को कहेंगे संभव घटना। क्या कहेंगे? संभव घटना, ठीक है, संभव घटना कहेंगे। हो गया। अब देखो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। यानी कि सभी घटनाओं को हम जोड़ेंगे ना तो उनका जोड़ कितना आता है? एक आता है, ठीक है। अब आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी एक से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता जीरो से तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, एक से छोटी होती है या उसके बराबर होती है, जैसा कि अभी बताया था। तो ये रिक्त स्थान आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4 लिया है मैंने, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो देखो ए में लिखा है 2/3। अगर आप 3 का भाग 2 में दोगे ना, 3 2 में 3 का भाग, तो देखो भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा देंगे तो 0 तो जाएगा। 36 18 6 भाग मतलब 0 पॉइंट से कम आ रहा है, 1 से कम उत्तर आ रहा है। तो मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब ये तो प्रायिकता का मान है। आपको ध्यान रखना है प्रायिकता में हमेशा ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या आएगी। अगर प्रायिकता में ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या आती है तो वो प्रायिकता नहीं है, तो ये प्रायिकता है। देखो -1.5 क्या ये प्रायिकता है? क्या नहीं है? तो यही इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता, मतलब माइनस में प्रायिकता का मान नहीं आता, तो ये घटना प्रायिकता नहीं है। देखो 15% क्या प्रायिकता है? हाँ, क्योंकि परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का। तो देखो ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, मतलब 100 का भाग 15 में देंगे तो 0.15 आएगा, जो 1 से छोटा है तो ये भी प्रायिकता है। 0.7 1 से छोटा है तो ये भी प्रायिकता है, मतलब ये वाला मान आपकी प्रायिकता का नहीं हो सकता, माइनस का मान कभी भी प्रायिकता का नहीं हो सकता। आगे समझ में? सवाल नंबर 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो PE की प्रायिकता दे रखी है और E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है। तो बच्चों जब भी एक की प्रायिकता दे रखी और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो आपको इसको एक में से माइनस करना है, क्योंकि दोनों की प्रायिकताओं का योग एक होता है। हमने सूत्र देखा था, क्या देखा था? कि होने की प्रायिकता मतलब PE प्लस नहीं होने की प्रायिकता मतलब PE नहीं बराबर कितना होता है? एक होता है। तो देखो यहाँ हमें होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, तो इसका हम उधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे, मतलब ये यहाँ से प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, मतलब PE की प्रायिकता हो जाएगा।
तो देखो हमें ज्ञात करनी है PE नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता कितनी है 0.05। ठीक है, एक में से घटाना है 0.05, सावधानी से घटाना। अब पॉइंट या पॉइंट लगा के आप 0.0 उतार सकते हो। अब घटाओ 10 में से 5 गया तो 5, या 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट का पॉइंट, या उधार लिया था 0 में से 0 गया तो 0, तो आपका उत्तर आ गया 0.95। यह आ जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में, आसान सा सवाल है। अब देखो सवाल नंबर 2, 6। एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है उसमें केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे के महक वाली हो। तो देखो क्या थैले में से संतरे के महक वाली गोली निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, संतरे के महक वाली गोलियां नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये कौन सी घटना है? असंभव, क्योंकि थैले में संतरे वाली गोलियां है ही नहीं, उसमें तो केवल नींबू वाली गोलियां हैं। अब उसमें से संतरे वाली निकालेंगे तो कहां से निकलेगी? नहीं निकलेगी ना, मतलब असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। तो बताओ संतरे के महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब दूसरा नींबू के महक वाली गोली, तो उसमें नींबू के महक वाली गोली है तो निकालोगे तो वही निकलेगी। तो ये एक निश्चित घटना है, संभव घटना है, और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो संतरे के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता 0 होगी और नींबू के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि थैले में नींबू के महक वाली गोली है, संतरे के महक वाली गोली नहीं है। आसान सा सवाल था। अब देखो ये सवाल नंबर 7। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? देखो जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है 0.00992, और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नहीं होने की दे रखी है और होने की क्या करनी है? ज्ञात। तो हमें क्या करना होगा? एक में से घटाना होगा। जैसा सवाल ये है, होने और नहीं होने की आ जाए तो हमेशा कोई सी भी दे रखी हो दोनों में से उसको एक में से घटा दो। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता, बताओ कितनी दे रखी है? जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। अब हमें ज्ञात करनी है जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता। अगर होने की ज्ञात करनी है ना, तो ये जो नहीं होने की प्रायिकता है उसको एक में से घटा दो। एक में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? नहीं होने की प्रायिकता, मतलब 0.992। ठीक है, घटाओ, एक में से घटाएंगे 0.992, यहाँ 0.00 लगा के 0.00 लगा सकते हो, सकते हो ना। उदाहरण तो 10 में से 8 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 0.00 का 0.00, 0 में से 0 गया तो 0, तो उत्तर क्या जाएगा 0.0008 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। नहीं होने और होने की, इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि होने की प्रायिकता ये है, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो एक में से घटा दो, या नहीं होने की प्रायिकता दे रखी हो और होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तभी एक में से घटाना है। दोनों में से किसी को भी दे रखा हो आप उसको एक में से घटाना है। पहले बता रहे इनको सवाल नंबर 8। 8 और 9 दोनों सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और आसान भी है। देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यांत्रिकता निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो? तो बच्चों इस प्रकार के सवाल के लिए आपको प्रायिकता का सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो बताओ सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? भी लिखा था हमने PE
बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का। अब देखो हमसे गाय के एक थैले में तीन तो लाल गेंदे हैं, मतलब यहां लिखेंगे लाल गेंद, बताओ बेटा लाल गेंद कितनी है, तीन। दूसरी है काली गेंद, काली गेंद कितनी है, काली गेंद है आपके पास पांच थैले में। ठीक है, अब देखो दो तरह की गेंदे हैं तो इनको जोड़ लेंगे, तो बताओ कुल गेंदे कितनी हो गई, कुल गेंदे हो गई पांच और तीन आठ हो गई। अब नंबर एक, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता बतानी है, तो बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप ऐसे लिख सकते हो पी आर, पी का मतलब प्रायिकता, आर का मतलब रेड, मतलब लाल। ठीक है ना, या जरूरी है आप ऐसा लिखो तो डायरेक्ट लिखो लाल होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बताओ कुल गेंदे कितनी आठ, अब आठ में से लाल गेंदे कितनी है तीन, तो प्रायिकता आ गई आपके तीन बटा आठ, मतलब थैले में से निकालने के टोटल आठ चांस है, आठ में से तीन चांस ऐसे हैं जिनमें कौन सी गेंदे निकल सकती है, लाल गेंद निकल सकती है। नंबर दो पे हमसे पूछा है लाल नहीं हो, मतलब थैले में से लाल गेंद नहीं निकले, अब भाई लाल नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, काली निकलेगी ना, क्योंकि दो तरह की गेंदे हैं, तो बताओ कुल गेंदे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो कितने हैं आठ, अब लाल नहीं निकलेगी तो काली निकलेगी और काली कितनी है पांच, तो प्रायिकता क्या आ गई पांच बटा आठ। बहुत ही आसान सा सवाल है, नौ सेम सवाल है, एक डिब्बे में पांच लाल कंचे, आठ सफेद कंचे और चार हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यांत्रिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है सफेद है हरा नहीं है। तो यहाँ भी प्रायिकता ज्ञात करने का सबसे पहले सूत्र लिखना है आपको, लिख दिया सूत्र तो लिखना ही पड़ेगा आपको, सूत्र लिखने के बाद देखो सबसे पहले क्या है कि लाल कंचे, बताओ लाल कंचे कितने हैं पांच। ठीक है, फिर सफेद कंचे, सफेद कंचे बताओ सफेद कंचे कितने हैं आठ, और फिर हरे कंचे बताओ हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे हैं चार, तीन तरह के कंचे हैं इनको जोड़ लेंगे तो यहां लिखेंगे कुल कंचे, तो बताओ कुल कितने हो गए पांच और आठ तेरह और चार हो गए सत्रह, कुल कंचे कितने हो गए सत्रह हो गए। अब नंबर एक पूछा है कि डिब्बे में से कौन सा कंचा निकले लाल, तो बताओ सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कंचे कितने हैं सत्रह, लाल कितने हैं पांच, तो प्रायिकता आ गई पांच बटा सत्रह। नंबर दो क्या पूछा है, सफेद कंचे, तो देखो सफेद कंचे अब तक कुल परिणाम सत्रह, नीचे तो फिक्स सत्रह आएगा और सफेद कितने हैं आठ, तो प्रायिकता आ जाएगी आठ बटा सत्रह। नंबर तीन, हरे हरे हरा नहीं है, हरा नहीं हो, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कितने सत्रह, अब इसने कहा कि हरे कंचे नहीं निकलने चाहिए, भाई हरे नहीं निकलेंगे तो सफेद और लाल निकलेंगे ना, हरे नहीं निकलेंगे तो ये दोनों निकलेंगे और ये दोनों कितने हैं पांच और आठ तेरह, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी तेरह बटा सत्रह। उत्तर सवाल नंबर 12 देखो, अब इसके बाद 12 और 16 करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 12 में लिखा है संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, आठ को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, दो से बड़ी संख्या को करेगा, नौ से छोटी संख्या को करेगा। देखो यहाँ पर ये संयोग का एक खेल है, इसमें इस तीर को घुमाया जाता है, जहां पर ये तीर रुक जाता है वही नंबर वाला जीत जाता है, मतलब ये जो तीर है वो जिसको इंगित करता है ना उसकी प्रायिकता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बेटा प्रायिकता का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, PE बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल
परिणाम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसने कहा है कि आठ को करेगा, ये जो तीर है वो किसको इंगित करेगा, आठ को। तो पहले तो सूत्र के अनुसार अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी है, आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो कुल परिणाम तो आठ आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि आठ को करेगा, इसमें आठ कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा एक, तो पहले की प्रायिकता हो जाएगी एक बटा आठ। आगे समझ में। नंबर दो, एक विषम संख्या को करेगा, तो देखो कुल परिणाम तो वही कितने हैं आठ। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, उसे विषम कहते हैं। अब इसमें आपको गिननी पड़ेगी कि विषम कितनी है, एक दो तीन चार, कितनी संख्या है विषम में, चार, तो ऊपर कितनी आएगा अनुकूल परिणाम, चार, दोनों में चार का भाग जा रहा है, देखो चार एक चार, चार दूनी आठ, तो प्रायिकता आ गई एक बटा दो। नंबर तीन पे कहा है कि दो से बड़ी संख्या को करेगा, अब देखो सूत्र तो वही है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो कितने हैं आठ है। अब कह रहा है दो से छोटी संख्या, अब दो से छोटी, दो से बड़ी, सॉरी दो से बड़ी संख्या को करेगा, अब दो से बड़ी कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह, ऊपर कितना रहेगा छह, दोनों में दो का भाग जाएगा तो इसमें जाएगा तीन बार और इसमें जाएगा चार बार, तो प्रायिकता आ जाएगी तीन बटा चार। नंबर चार, इसमें कहा है नौ से छोटी संख्या को करेगा, तो सूत्र तो वही है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और नौ से सभी संख्याएं नौ से छोटी है तो टोटल कितनी है आठ है, आठ में आठ का भाग जाएगा एक बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी। आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यांत्रिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, दोनों को मिला दिया है, हम देखकर यह नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है, और उनमें से एक पेन निकाला जाता है, निकाला जाए तो उसका खराब या अच्छा होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा, तो आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपको सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र लिखने के बाद देखो यहाँ आपको लिखने हैं खराब पेन, बताओ बेटा खराब पेन कितने हैं 12, फिर अच्छे पेन, देखो अच्छे पेन बताओ अच्छे पेन कितने हैं 132, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे कुल पेन, कुल पेन हो जाएंगे 144, हो गया ना। अब आपसे क्या पूछा है कि एक पेन निकाला गया है इनमें से तो अच्छा होने की प्रायिकता पूछी है, हमसे पूछी है अच्छा होने की प्रायिकता, तो बेटा सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो कुल पेन कितने 144 और अच्छा पेन होने की तो अच्छे कितने हैं 132, अनुकूल परिणाम 132 है। अब दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा हो तो आप भाग दे सकते हो, तो 12 का भाग जाएगा दोनों में, 12 का भाग यहाँ 11 बार और 12 का भाग इसमें 12 बार, तो प्रायिकता आ जाएगी 11 बटा 12। आपसे इस सवाल में खराब पेन की प्रायिकता भी पूछ सकता है, तो देखो खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, तो बताओ सूत्र क्या है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, मतलब कुल पेन कितने 144 और खराब पेन कितने 12, ठीक है, तो 12 का भाग इसमें एक बार, 12 का भाग इसमें 12 बार, तो प्रायिकता आ जाएगी एक बटा 12, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप सूत्र को याद रखिए और भी जो मैंने बताया वो अब रिक्त स्थान उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। इसके बाद जो अगली क्लास होगी आपकी उसमें मैं ताश के बारे में, पासे के बारे में और सिक्के के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त।